ओ नो, 10 अक्टूबर को रात तो चला गया। अब मेरा क्या होगा? मेरा फोन से कोई कॉल नहीं जाएगा, मेरा कोई दोस्त से मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ओह नो, जियो ने बहुत गलत काम किया, जियो ने तो लूट मचा दिया। फिर तो वो दूसरे लोगों की तरह हो गया, चीटिंग कर रहे हैं, बहुत ही बेकार है। तो मैं अभी के अभी जियो सर्विस को चेंज करूंगा, जियो से चेंज कर दूंगा या टू वोडाफोन कर लूंगा। ठीक नहीं किया। तो दोस्तों, आप भी कहीं ना कहीं अपने दिल से जियो को गाली दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आयुषी का नया प्लान चालू किया है, नया रूल चालू किया है कि आपको रिचार्ज करना पड़ेगा अलग से एक टॉप अप बैलेंस, जिसके बाद ही आप किसी दूसरे नेटवर्क को, जियो के अलावा किसी दूसरे नेटवर्क को कॉल लगा सकते हैं। तो बहुत ही गलत आपको लग रहा है, लेकिन दोस्तों मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा अपने दिल से नहीं दोस्तों, जियो ने ये गलत नहीं किया है, जियो ने एकदम करेक्ट यानी कि सही काम किया है। आपको लग रहा है मैं शायद पागल हो गया, क्या बोल रहा है ये, लेकिन दोस्तों आपको मैं कहूँगा और प्रूफ भी दिखाऊंगा कि जियो ने ये जो काम किया है ये राइट किया है, और इस काम से हमें बेनिफिट भी हो रहा है। कैसे बेनिफिट हो रहा है मैं आपको डिटेल से प्रूफ के साथ वीडियो बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों जो लोग इस वीडियो में नए हैं उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि आप अगर कुछ समझ में नहीं पा रहे तो ऊपर आई बटन में मेरा एक वीडियो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जगह आप पिछला वीडियो देख लेना, वहाँ पर मैंने जियो के बारे में और आयुषी प्लान के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताया, तो आप समझ जाएंगे आखिर में मानता क्या है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आयुषी के चार्ज के हिसाब से जियो ने आज तक करीब 13,500 करोड़ किसी दूसरे कस्टमर को यानी कि एयरटेल वोडाफोन इन लोगों को पे किया है। लेकिन दोस्तों अगर आप सोचिए, जियो अगर नहीं होता हमारे इस इंडिया में, अगर अभी जियो नहीं होता, तो दोस्तों आज की तारीख में आपको 1.5 रुपये प्रति मिनट का चार्ज देना पड़ता है किसी भी कॉल करने के लिए। लेकिन जो उसी जगह जियो आपको दे रहा है 6 पैसे पर मिनट, 6 पैसे पर मिनट का आपको रिचार्ज करना पड़ेगा और उसके बाद आप बात कर सकते हैं। दोस्तों आपके दिमाग में एक बात ज़रूर काम कर रही है कि सोचिए, इतने दिनों तक जियो ने हमारा आयुषी का पेमेंट पहले से कर दिया तो आगे भी कर देता है, प्रॉब्लम कहाँ पर था। लेकिन दोस्तों एक बार सोचिए, जो ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने कहा था 2011 में ही वो लोग आयुषी जो पेमेंट है इसको रद्द कर देंगे, उसके बाद उसके ऊपर कुछ मामला हुआ, उसके बाद तय हुआ कि 1 जनवरी 2020 को ही रद्द करेंगे। लेकिन इन कुछ दिनों ट्राई ने कहा हम इसके ऊपर फिर से विचार करेंगे और इसको पहले से देखेंगे रद्द करेंगे या नहीं करेंगे। इसीलिए जियो ने कहा हम इतने दिनों तक तो हमारे जो लॉस था इसको झेल लिया, हमने अपने जेब से पैसे खर्च किया है, लेकिन इसके बाद से हम पैसा नहीं खर्च सकते, हमारे जेब से हमारे लॉस हो रहा है, तो आपको ये पेमेंट खुद से करना पड़ेगा। दोस्तों पहले तो मैं इस मुद्दे पर रोशनी डालना चाहूँगा कि एक बार सोचिए, जियो से जियो अगर आप कॉल करेंगे या फिर लैंडलाइन में कॉल करेंगे तो अब तो आपको फ्री है, फ्री का ही फ्री है। दोस्तों एक बार सोचिए, जियो का बहुत ही ज़्यादा कस्टमर हो चुका है इंडिया में, ठीक है। आपका अगर फ्रेंड साइकिल है या फिर कह लो फैमिली साइकिल, वहाँ पर अगर 20 आदमी को सोच ले तो 18 आदमी के पास जियो का सिम है, तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप जियो से जियो कॉल लगा लेना, फ्री में कॉल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों एक बात और भी है, जो लोग घंटों के घंटों फ़ोन में लग रहते हैं, बात करते रहते हैं, किसी और नेटवर्क, जियो से किसी और नेटवर्क पे बात करते हैं, तो जियो से जियो तो फ्री है, लेकिन अगर जियो से किसी और नेटवर्क पे कॉल करते हैं तो उनको कहिए जियो का सिम यूज़ करने के लिए, एक एंड्रॉयड फ़ोन हो तो जियो का यूज़ कीजिए। अगर उन लोगों के पास जियो का फ़ोन नहीं है या फिर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो जो जियो का नया ऑफर चले 699 में आपको जियो का फीचर फ़ोन मिल जाएगा, जिसके और भी एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है, तो बहुत सारा ऑफर है, आप उनको एक जियो फ़ोन परचेस कर दीजिए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो दोस्तों सोचिए, आप अपने फैमिली के साथ बात करना चाहते हैं लेकिन उनके पास एक 2G फ़ोन है और वो एक फीचर फ़ोन नहीं परचेस करना चाहते हैं, तो आप अपने जो टॉपअप है इसको रिचार्ज कर लीजिए, बहुत ही छोटा अमाउंट है, 10 रुपये 20 रुपये का टॉपअप वाउचर आ रहा है, तो आप इसको रिचार्ज कर लीजिए। तो दोस्तों आपके लिए रिचार्ज करना अगर बहुत ही ज़रूरत है इन सभी ऑप्शन के बाद भी, तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं रिचार्ज बहुत ही आसान ट्रिक के बताऊंगा कि कैसे आप रिचार्ज कर सकते हैं, और इसमें ही आपका बेनिफिट है, किस तरीके से बेनिफिट है आगे फिर दिन बताऊंगा। वीडियो को ज़रूर देखना और फ्रेंड के साथ शेयर करना, और ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाकर रखना। तो चलते अगले वीडियो की